हेलो दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। चलिए, आज हम आपसे बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो कि रिटेल इन्वेस्टर का बहुत पसंदीदा स्टॉक है। हम आपको बताना चाहते हैं, देखिए 20 रुपये तक तो ये जा सकता है, हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं जाएगा, लेकिन जो है कि इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगाने का मतलब जो है, उस हिसाब से इनको जो है कि इस क्वार्टर का रिजल्ट जो है कि इनको जो है पेश करना पड़ेगा। चलिए, हम फटाफट स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, कुछ स्टॉक का जो है ओवरव्यू लेंगे और जो है कि इसके रिस्की पॉइंट और डिसअपॉइंट के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। चलिए, जो हम फटाफट स्टॉक के ऊपर जंप करते हैं, बैंक के ऊपर आ गए। सबसे पहले इनके एक बार हम क्वार्टरली रिजल्ट्स का जो है ऊपर से ओवरव्यू लेंगे, थोड़ा फास्ट वे में जाएंगे। देखिए, रेवेन्यू के बारे में तो हम आपको बताना चाहते हैं, पहले जो है क्योंकि नो डाउट अच्छा ही था, ठीक ठाक था। उसके बाद जो है कि देखिए बैंक जो है कि उसके बाद जो है कि अभी फिलहाल जो है कि कंसिस्टेंसी जो है मैटर कर रहा है। 2021 से जो है कि अच्छा 39, फिर 45, फिर 46, फिर 48। देखिए, इस बार का क्वार्टर के ऊपर आपको फोकस रखना है इनके रेवेन्यू पे। जो है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताना चाहते हैं, देखिए नेट प्रॉफिट एक बार देख लेते हैं। देखिए, नेट प्रॉफिट इनका जो है कि 1500 पहले लॉस में थे, फिर उसके बाद जो है कि 114 प्रॉफिट में, फिर 600। देखिए, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन है, जिसके कारण जो है कि बहुत ज़्यादा चार्ट भी इनका जो है अप्स एंड डाउन से आपको बताना चाहता है। चलिए, हम चार्ट के ऊपर भी आएंगे, फटाफट देख लेते हैं एक बार ऊपर से सही। फिर 2629, फिर 45 करोड़ का, फिर जो है कि 129, फिर 151। देखिए, बीच में जो है कि इन्होंने बहुत हाई प्रोविजनिंग कर दिया था, जिसके कारण इनके मैनेजमेंट ने बोला भी था कि अगली बार से जो है कि हम एडजस्ट कर लेंगे। देखिए, फिर 207, फिर 226, फिर 266। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे, देखिए अभी क्या है, इनके क्वार्टर रिजल्ट में कंसिस्टेंसी है। प्लीज़ जो है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट मत लगा देना, जिनको भी अच्छा लगता है तो एक बार क्या है कि आप 200, 500, 1000, 2000 रुपए लगा के छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट मत फंसाना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको फोकस करने वाली बात बता रहे हैं, देखिए इनके एक बार एनपीए को देख, देखिए एनपीए जो है इनका जो है कि डाउन ट्रेंड में है, जो कि अच्छा साइन है। 5.88%, फिर उसके बाद 5.78, फिर 5.55, फिर 2.9 के आसपास, जो कि इस बार अपने को फोकस करना है। चलिए, एक बार इनके एनपीएल को भी देख लेते हैं। चलिए, हम इनके पैनल पे आ गए। इनका पैनल 2010 से देखेंगे, पहले जो है कि 2300, फिर 4000, फिर 6300, 8200, 9900, 11000, 1300, 16000, फिर उसके बाद 20000, 29000, फिर देखिए जो है कि 26000, फिर देखिए अभी डाउन 18000। हम इतना ही बताना चाहते हैं, देखिए पहले जो एस बैंक थी वो अभी नहीं है। फिलहाल कहने का मतलब क्या है, पहले जो इसमें स्कैम हुआ था, राणा कपूर ने किया था, अभी वो फिलहाल नहीं है। हम आपको इतना ही बताना चाहते हैं, देखिए 2018 के पहले जो बैंक थी अभी वो नहीं है, फिलहाल अच्छा ही बैंक है। आप चाहे तो थोड़ा बहुत अमाउंट धीरे धीरे लगा के आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, एक बार इनके हम जो है नेट प्रॉफिट को भी देख लेते हैं। देखिए, नेट प्रॉफिट में जो है कि इनके पहले का हम छोड़ करके जो है कि चलिए एक बार पूरा देख लेते हैं। 478, 700, 900, 1300, 1600, 2000, 2500, 3300 के बाद कंपनी का बैंक जो है कि माफ़ करना 16000, फिर 3400 माइनस माइनस, जो कि अभी भी माइनस में। हम आपको इतना ही बताना चाहते हैं, देखिए एक क्वार्टर इनका भी आना बाकी है, जो कि TTM है, देख लेते हैं इस बार होता क्या है। लेकिन हाँ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, रिस्की पॉइंट बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ इनके जो है Q4 के रिजल्ट आप देख लीजिए, उसमें कंसिस्टेंसी रहता है। थोड़ा बहुत अमाउंट लगाना लर्निंग के लिए, अर्निंग के लिए जाएंगे तो आप फंस सकते हैं। अच्छा, देखिए इनके एक बार हम रिजर्व्स को भी देख लेते हैं। ऊपर से देखिए 28000 करोड़ का इनके पास रिजर्व। देखिए, बैंक है तो बैंक में जो है कि बोरिंग रहेगा, जो कि 225 करोड़ के आसपास जो है कि बोरिंग है, मतलब माफ़ करना 225 लाख करोड़ के आसपास इनके पास बोरिंग है। देखिए, मेन आपको हम जो है कि फोकस करने वाली बात बता रहे। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो है कि या फाइज तो छोड़िए, इस क्वार्टर में जो है कि उन्होंने माल को एक्युमुलेट किया, इस क्वार्टर में क्या करेंगे उसको भी देख लिया। दूसरा देखिए, जो हमने आपको बताया लॉकिंग पीरियड है, देखिए यहाँ पे 45% के आसपास जो है कि DIs ने माल को एक्युमुलेट किया है। एक्युमुलेट किया उनके पास जो है कि उन्होंने बाइंग करके रखा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, पब्लिक ने भी पैसा लगाया है, जो कि हम आपको बता रहे हैं। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर का बहुत ही फेवरेट स्टॉक है, आप इतना ही समझ लीजिए। चलिए, इनके हम कुछ ओवरव्यू लेते हैं। देखिए, 36000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, 14 रुपये के आसपास जो है कि प्राइस चल रहा है, जो कि अपना वो नहीं होना चाहिए फोकस। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, 16 रुपये का जो है कि प्राइस है, जो कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो है कि ट्रैप हुए हैं, जो हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, 20 रुपये तक तो जा सकता है, लेकिन क्या है, Q4 के एक बार रिजल्ट आने दीजिए, फिर आप जो है कि डिसाइड कर लेना। लेकिन हाँ, मुझे लगता है अगर इस बार का इनका रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो 20, 18, 19 जो है कि जा सकता है मेरे हिसाब से जो है आगे अपना। देखिए, किसी की वीडियो देखिए जो है कि ब्लाइंडली आप कॉपी मत करना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ROE जो है कि इतना अच्छा नहीं, फेस वैल्यू 2 का है। चलिए, हम इनके एक बार चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा दोस्तों, हम आ गए यस बैंक के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टरों ने जो कि यहां पे जो है कि 14 रुपये, 13 रुपये या 15 रुपये के आसपास जो है बहुत सारे लोगों ने बाइंग किया था। लेकिन हम आपसे डिस्कस करना चाहते, देखिए बोलना चाहते हैं कैसे स्टॉक को आप बाइंग करते ही क्यों, जो कि अपने ही प्राइस पे आने के लिए। देखिए, इससे पहले जो है कि स्टॉक जो है कि 10 रुपये के आसपास आया था, जैसा कि आपको पता है।
₹10 के आसपास, ₹10 से ₹15, ₹16 जाने के लिए, ऐसा मतलब कि समझो कि इनको कासा का रिजल्ट, डिपॉजिटरी, ये सब तमाम जो है कि हाल में 6 तारीख को जो है न्यूज आया था, उसके बाद सडनली स्पाइक जो है कि इसमें 13 से 14% जो है स्टॉक भागा था। हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे स्टॉक में है क्या, रिटेल इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक में फंस क्यों जाते हैं, क्यों, क्योंकि प्राइस छोटा है। प्लीज़ जो है ऐसे स्टॉक में जो है कि हैवी अमाउंट आप ना लगाएं। हम इतना ही कहना चाहते हैं, जिनके पास भी पैसा है, देखिए पैसा है तो अच्छे स्टॉक में लगाएं, जो कि जहां 100 200 500 तेज पॉइंट की हमेशा तेज़ी आती जाती रहती है। इसलिए आप जो है कि प्लीज़ ऐसे स्टॉक को अवॉइड करें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जो है 5 दिन की स्कीम आपको तेज़ी दिखा रहे हैं, देखिए 5 दिन में कंपनी जो है कि 12 से 13% का जो है कि रिटर्न मतलब बना के दे चुकी है। 1 महीने का एक बार दिखा रहे, देखिए 15-16% जो कि यहाँ पर एक तेज़ी आया है 6 तारीख के आसपास, मैंने आपको जैसा कि बताया, क्योंकि उसमें इन्होंने डिपॉजिटरी बढ़ाया है, कासा का रिपोर्ट के करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट सब कुछ बढ़ाया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बार का उनका Q4 का रिजल्ट भी अच्छा आ सकता है। लेकिन आप सोचिए पहले कि रिटर्न दिखा देते हैं, देखिए 1 साल में कंपनी ने कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया है, देखिए हम कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, वही प्राइस पर जाने के लिए इसको 1 साल लगा, इतना ही आप समझ लीजिए। देखिए 5 साल में जो है बैंक जो है कि कितना 95% डाउन है, आप इतना ही समझ लीजिए। हम इतना ही कहना चाहते हैं, जिन्होंने भी अभी बाइंग किया है, अभी क्या करें, उनके पास जो है कि फंसे हुए हैं, तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ देखिए, अगर किसी को बाइंग प्राइस पे मिल रहा है तो अभी देखिए उनका तो रिकवर हो गया है, लेकिन अभी रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे क्या करेंगे, लालच करेंगे। लालच करने का मतलब उनको क्या है कि प्रॉफिट कमा के ही निकलना है। देखिए Q4 के रिजल्ट अभी आने वाले हैं इनके, नो डाउट दोस्तों अच्छा ही आने वाले हैं, सारा संकेत मिल गया है मार्केट को, तो उस हिसाब से देखिए सब कुछ मिल गया, उस हिसाब से 12-13% की तेज़ी थी। देखिए न्यूज़ बेस पे हमने आपको पहले भी बताया कि न्यूज़ बेस पे किसी भी स्टॉक को बाइंग या होल्ड नहीं करना होता है। प्लीज़ जो है अगर आप किसी भी स्टॉक में फंसे हुए हैं तो आप जो है कि लॉस सह के निकल सकते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा, जिनके पास भी अभी चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग करके आप चाहे तो निकल सकते हैं, अपना जो है कि सेव करना है, कोई अपने को दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बहुत ऐसी बात नहीं कि हाँ जो अपने को कोई कुछ बोलेगा। देखिए हम इतना ही बताना चाहते हैं, प्लीज़ जो है कि अभी जिनको होल्ड करना है चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी ऑवरेजिंग क्या करेंगे, ऑवरेजिंग करने से अच्छा है कि देखिए उसी के प्राइस के आसपास चल रहा है प्लीज़, लेकिन जो है कि बाइंग आप एक बार इनपे जो है कि रुक के करें। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।